नगर निगम धर्मशाला व स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला के अधिकारियों को अक्सर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब तक शहरवासी स्मार्ट नहीं होंगे तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। वहीं सच्चाई ये भी है कि जनता से पहले इन प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी, क्योंकि जिस तरह ये अधिकारी काम कर रहे हैं उस गति से तो 20 वर्षों में भी स्मार्ट सिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। ये शब्द समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। भारद्वाज ने कहा कि निगम के अधिकारी विदेश दौरों पर जाकर तकनीक सीखने की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना सीखने की जरूरत है। अधिकारियों की नाकामियों का ठिकरा आखिरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सिर पर फोड़ा जाता है। अतुल भारद्वाज ने कहा कि निगम की डंपिंग साइट को लेकर पहले भी कई बार विरोध हुआ है। सुधेड़ पंचायत के लोगों ने भी अपना विरोध कई मर्तबा दर्ज करवाया है, फिर भी निगम उसी स्थान पर अवैध रूप से कूड़े के ढेर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की बात करने वाले अधिकारी अभी तक एक डंपिंग साइट का चयन नहीं कर पाए हैं। ये अधिकारी बताएं कि कौन से शहर के बीचों बीच डंपिंग साइट होती है। एक तरफ तो सफाई व्यवस्था का टेंडर करने की प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन कूड़ा फेंकने के लिए निगम के पास कोई जगह ही नहीं है। अतुल भारद्वाज का कहना है कि वन विभाग की भूमि पर बिना अनुमति के डंपिंग साइट बना दी गई है। निगम बनने के बाद यहां फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा भी अत्यधिक बड़ी है। वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है और वन विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को भी अपना दायित्व निभाते हुए इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। देखो, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अधिकारियों को भी स्मार्ट सोच करनी पड़ेगी और राजनीतिक स्तर पर जो है स्मार्ट सोच करने से इसमें कुछ नहीं होगा। जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, जो इसको क्रियान्वित करने वाले अधिकारी हैं, उनको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। लोगों से आग्रह करते रहे कि भाई स्मार्ट बन गए, लोग जागरूक भी हुए, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन जो अधिकारियों की कार्य पद्धति और कार्य जो ये अभी जो सिस्टम चल रहा है उससे लोग नाखुश हैं और इलीगल तरीके से जो डंपिंग साइट वहाँ पे चल रही है, सैनिटेशन पूरे शहर की करनी है, लेकिन उसका जो बेसिक डंपिंग साइट होनी चाहिए वो आज तक अधिकारी जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो सबसे पहले अधिकारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रपोजल है उसको फाइनलाइज करना चाहिए। अब वो मंत्री या राजनेताओं ने वो फाइनल थोड़ा मूव करनी है, वो तो अधिकारियों ने मूव करनी है। तो अधिकारी आज दिन तक उन चीज़ों को अमली जमा ठीक ढंग से नहीं पहना पाए हैं, जिसके कारण से आम जनता को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार, नगर निगम के अधिकारी शहरवासियों को नियमों का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने ही कार्यालय में उन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लोगों को नसीहत और दंड देने वाले निगम कर्मियों को खुद भी नियमों का पालन करना चाहिए। निगम के अपने भवनों में पार्किंग सुविधा नहीं है और लोगों को पार्किंग के लिए तंग किया जा रहा है। अतुल भारद्वाज ने कहा कि निगम की कार्यप्रणाली में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से भाई भतीजावाद और सिफारिश के आधार पर काम हो रहे हैं। निगम से मांगी गई आरटीआई तक जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं सैकड़ों होटलों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं, उनमें से कुछ के कनेक्शन एकदम से बहाल कर दिए गए, जबकि कई होटल संचालक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से अधिकारी ढीला रवैया अपनाते रहे तो अब बख्शा नहीं जाएगा। वक्त आने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पहले तो ये था कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है, वो भी अधिकारियों ने राजनेताओं ने वो मिलके वो स्मार्ट सिटी का पूरी प्रपोजल और वो बनानी थी। उसमें तो लोगों का, राजनीतिक लोगों का, अधिकारियों का, सबका एक रोल था। लेकिन अब जब वो प्रपोजल बन चुकी है तो उसको एग्जीक्यूशन करने का काम जो वो अधिकारियों का है, इसलिए उसके ऊपर सुपरविजन जो है वो राजनेताओं की होनी चाहिए, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी होनी चाहिए। वो उस भूमिका को अभी तक उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। मतलब एक साल में अभी तक जो है आप मानते हैं कि विफल रहे हैं राजनेता खुद भाजपा सरकार के कार्यप्रणाली को ठीक करने के लिए? नहीं, प्रयास तो सब जगह से हो रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास अभी तक नहीं हो पाया। तो क्या इस मामले पर अगर अभी तक स्थिति ठीक नहीं हुई या अभी आपके पत्रकार वार्ता या शिकायत करने के बाद, तो क्या रणनीति आगे की रहेगी? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कि पहले अधिकारियों को उस विषय के ऊपर हम स्पष्ट करें, उनको बताएं
तो इसके लिए हम लिखित रूप से भी उनको अवगत करवाएंगे, जो हमारे राजनेता हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, हम उनके पास भी अपना आग्रह लेके जाएंगे, जो कंसर्न मिनिस्टर हैं हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर जो अधिकारी हैं जो उनकी लापरवाही अगर इसी प्रकार से चलती रही तो जो कानूनन और नियमानुसार जो कार्रवाई उनके ऊपर अमल में लाई जा सकती है उसको हम लाएंगे, और इसके लिए अगर पुलिस में जाके कंप्लेंट करनी पड़ी या किसी कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे।